हाँ ना ब्रो, गुड मॉर्निंग क्लास। यहाँ पर देखिएगा, आज की क्लास जो है आपका बॉटनी में बीज वाले चैप्टर का रिवीजन क्लास है ना। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे क्विकली, मतलब कंप्लीट हो, है ना, रिवीजन करें। तो देखिए यहाँ बीज है, सबसे पहला प्रश्न यही हो जाता है आपका कि बीज का निर्माण किससे होता है। तो किससे होता है? बीजांड से होता है, है ना। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। दूसरा प्रश्न आया कि बीज जो है किसके अंदर रहती है, पुष्प के अंदर कि फल के अंदर? फल के अंदर। हाँ, तो बीज जो है फल के अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है और इसका निर्माण होता है किससे? बीजांड। अच्छा, दूसरा आता है कि यहाँ पर अगर बात करें फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है, है ना। फल का निर्माण अंडाशय से होता है और बीज का निर्माण होता है बीजांड से होता है। ये पहला पॉइंट है आपका और ये जो है दूसरा पॉइंट है। अभी ऐसे पॉइंट करके अभी मैं सुनूंगा, अभी क्लियर है ना। इसके बाद में फिर आगे अगर देखा जाए कि बीज में, जब बीज को ग्रो किया जाता है, किसी खेत में बोया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उसमें जर्मिनेशन पाया जाता है, है ना। उसमें जर्मिनेशन पाया जाता है, उसमें कंडीशन भी पाई जाती है। जैसे कुछ बीज इस तरह से होते हैं कि इसमें उसमें एक ही, मतलब उनको दो भाग में आप विभाजित नहीं कर सकते हो, जैसे वो दो भाग में ऑलरेडी कटा हुआ नहीं रहता है ना। तो ऐसे यानी कि बीज पत्र के आधार पर देखा जाए तो बीज वैसे जनरली आपका दो होता है, एक होता है आपका एक बीज पत्री होता है और दूसरा जो होता है आपका वो क्या होता है, द्वि बीज पत्री होता है। एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री। अच्छा, एक बीज पत्री में भी दो कैटेगरी होती है, एक बीज पत्री भ्रूणपोषी या एक बीज पत्री अभ्रूणपोषी। तो एक बीज पत्री भ्रूणपोषी एक होता है और एक बीज पत्री भ्रूणपोषी में आता कौन है, तो बताइए। एक बीज पत्री भ्रूणपोषी में आता है आपका गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार। इसमें क्या आता है? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, जौ आदि, है ना। गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, जौ, धान, ये सब किसमें आता है? धान, गेहूं, ये सब इसमें आता है, एक बीज पत्री भ्रूण पोषी में आता है, है ना। और दूसरा होता है एक बीज पत्री अभ्रूण पोषी बीज। एक बीज पत्री अभ्रूण पोषी, तो एक बीज पत्री अभ्रूण पोषी में आता है आपका आर्किड्स और जल केला। कौन आता है? आर्किड्स, आर्किड्स और जो है जल केला आता है। आर्किड्स और जल केला आता है। आर्किड्स क्या होता है? आर्किड्स जैसे ये बीज है आपका, है ना, जैसे आप गेहूं देखे हो तो दिमाग में एक इमेज बन गई, हाँ ठीक है, उसे आर्किड्स भी होता है आपका, है ना। आर्किड्स और जल केला जो है अभ्रूण पोषी होते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, द्विबीजपत्री में भी यही कंडीशन होती है, एक द्विबीजपत्री आपका भ्रूण पोषी होता है, है ना। द्विबीजपत्री भ्रूण पोषी बीज, तो द्विबीजपत्री भ्रूण पोषी बीज में आता है चना, मटर, सेम, काशीफल, है ना। चना, मटर, सेम, काशीफल, अरहर, है ना आदि, ये सब किस में आता है? द्वि बीज पत्री भ्रूण पोषी में आता है। सेम कहाँ आएगा? सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा, अभ्रूण पोषी है। द्वि बीज पत्री भ्रूण पोषी नहीं इसमें आएगा। नहीं, इसमें दिया नहीं है। अच्छा, नहीं आएगा भाई। चना, मटर, सेम और काशीफल। सेम एक ही तो होता है सर, उसमें भी इसको तोड़ा नहीं मतलब जा सकता। सेम का जब छिलका अलग करोगे तो दो दाने होते हैं, द्वि बीज पत्री है। सेम ठीक सर, है ना। अच्छा, सेम दलहनी फसल तो है ही ना जी। तो और जितनी दलहनी फसलें होती है लगभग सब द्वि बीज पत्री में ही आती है। फिर द्वि बीज पत्री अभ्रूण पोषी बीज में कौन होता है? तो द्वि बीज पत्री अभ्रूण पोषी बीज में आता है आपका क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है
रेंडी पोस्ट शरीफा पपीता लोबिया। हाँ लोबिया, रेंडी पोस्ट, पोस्ता मतलब जो होता है ना, शरीफा शरीफा पपीता। जी सर। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ जो भ्रूण पोष होता है ना, ये भ्रूण पोष बढ़ते हुए भ्रूण के लिए भोजन प्रदान करता है। जी सर। ये क्या करता है, बढ़ते हुए भ्रूण मतलब इम्ब्रियो को भोजन प्रदान करता है। जी सर। इसको जो भोजन देता है ये होता है भ्रूण पोष होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ से देखो, पहला पॉइंट है कि बीज का निर्माण किससे होता है, दूसरा है फल का निर्माण किससे होता है, और तीसरा बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। जी सर। है ना? तीसरा जो आपका है वो है कि एक बीज पत्री भ्रूण पोषी बीज में आता कौन है, गेहूं मक्का चावल जौ है ना, धान, क्या हुआ बाजरा, बाजरा भी आता है। और अगला जो होता है आपका, अगला जो आता है कि ये आता है कि एक बीज पत्री भ्रूण पोषी में आता है कौन, ये चौथा पॉइंट, एक बीज पत्री भ्रूण पोषी में आता है एक बीज पत्री आप भ्रूण पोषी में आर्किड्स और जलकीड़ा आता है। फिर यहाँ पांचवा पॉइंट होता है कि ये चीज, द्वि बीज पत्री आप भ्रूण पोषी बीज में आता कौन है, द्वि बीज पत्री आप भ्रूण पोषी बीज में रेंडी पोस्ट शरीफा पपीता, इसको अरंड भी कहते हैं। जी सर। कैस्टर आयल, कैस्टर होता है ना। और अगला जो होता है आपका, अगला होता है वो होता है कि द्वि बीज पत्री भ्रूण पोषी में, यानी कि छठा पॉइंट है, द्वि बीज पत्री भ्रूण पोषी में कौन आता है, चना मटर सेम काशी फल, है ना। आप ये ऐसे पॉइंट से सुनेंगे, एक एक पॉइंट परमानेंटली सेट करते चलो। क्लियर? अच्छा एक तो बीज का आपका ये हो गया कि बीज के आपने प्रकार देख लिया। फिर क्या होता है, जब बीज ग्रो होता है ना, जब बीज ग्रो होता है तो वहां दो कंडीशन होती है कि बीज के अंकुरण के पश्चात अगर बीज पत्र भी क्या हुआ, जमीन से बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है आपका, बढ़िया ध्यान देना। अंकुरण है ना, अंकुरण आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका भूम्योपरीक है ना, और भूम्योपरीक इंग्लिश में ऐसे देते हैं एपीजियल, चाहे भूम्योपरीक अंकुरण बोलो और चाहे एपीजियल बोलो है ना। और दूसरा होता है आपका क्या होता है, अधोभूमिक। हाँ, दूसरा होता है आपका अधोभूमिक, 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 और इसको बोलते हैं क्या है, हाइपोजियल अंकुरण, हाइपोजियल, हाइपोजियल अंकुरण इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से दो कंडीशन यहाँ भी बनती है ना, यहाँ दो कंडीशन बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि एपीजियल में किसके वृद्धि की वजह से, जैसे इसमें आपको पता है बीज पत्र क्या होता है, जमीन के बाहर आ जाते हैं है ना, इसमें आपको मालूम है कि जो बीज पत्र होते हैं, बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं या आ जाते हैं, क्यों आते हैं, किसकी वृद्धि की वजह से, बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाते हैं किसकी वृद्धि की वजह से, बताओ, बीज पत्रोपरीक की वृद्धि की वजह से, या जो है इधर बीज पत्र की वृद्धि की वजह से, मतलब इसमें क्या होता है, बीज पत्र मतलब जो दाले रहती हैं वो क्या होते हैं, जमीन के बाहर आ जाती हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, थोड़ा पहले इसमें अंतर से देख लो, वो तो अलग है, दूसरा नाम होगा फलांकुर प्रांकुर। इसमें होता है कि बीज पत्र जो है जमीन के अंदर ही रह जाती है, बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाती है, इसमें क्या होती है, बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाती है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, देखो भूम्योपरीक यानी कि एपिजियल में बीज पत्र क्या होते हैं, जमीन के बाहर आ जाते हैं, और इसका क्यों, रीजन क्या, बीज पत्राधर, ध्यान देना यहां पर, बीज
बीज पत्राधर मतलब इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण। बीज पत्राधर मीन्स हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण है ना, एपीजियल में जो बीज पत्र होते हैं वो जमीन के बाहर आ जाते हैं, इसका मेन रीजन आपका ये है। और ये बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाती हैं, इसमें रीजन क्या, बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाती हैं है ना, और जो प्रांकुर जो होता है वो क्या होता है, जमीन के बाहर आ जाता है ना, प्रांकुर क्या होता है। अच्छा अब इसका रीजन क्या है, यहाँ पर बीज पत्रों पर ही बहुत कंफ्यूजन रहता है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करने वाला रहेगा यही रहेगा आपका। इसमें होगा क्या, एक मिनट में, इसमें क्या होता है, बीज पत्रों परिक, बीज पत्रों परिक मीन्स होता है एपिकोटाइल, बीज पत्रों परिक मीन्स एपिकोटाइल की वृद्धि के कारण, की वृद्धि के कारण। एक क्वेश्चन तो ये बनता है और ये बनता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी करता है ना। एपीजियल में क्या होता है, बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाता है, बीज पत्राधर जिसको हाइपोकोटाइल कहते हैं की वृद्धि के कारण। और इसमें क्या होता है, अधोभूमिक में बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाता है, बीज पत्रों पर ही मीन्स हाइपोकोटाइल। यहाँ पर देखो बीज पत्राधर है, हाइपोकोटाइल है, और यहाँ बीज पत्रों पर क्या, एपिकोटाइल की वृद्धि, जबकि एपी, एपी यहाँ आ रहा है, यही कंफ्यूजन हो जाता है, एपी इधर हाइपो उधर है ना। अच्छा अब इसमें आता है एग्जांपल, तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें मतलब भूमियोपरिक में कौन आता है, तो भूमियोपरिक में आपका क्या आता है बताइए, एग्जांपल में क्या आता है आपका, इमली आता है, नीम, 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 नीम है, जितने खट्टा आते हैं सेम है, है ना, जी ये प्याज का बीज है ना, सेम है, प्याज का बीज है, मीन्स प्याज आप कह सकते हैं, ठीक, ये चीज हुआ। अब यहाँ पर हाइपोकोटाइल में क्या आता है, हाइपोकोटाइल का, ओ सॉरी, हाइपोजियल मतलब अधोभूमिक अंकुरण में कौन कौन आता है, मटर, तो अधोभूमिक अंकुरण में आता है चना, मटर, मूंगफली, मक्का, चना, मटर, मक्का, मूंगफली, चना, मटर, मक्का, मूंगफली है ना, राजमा हो गया, आम में भी यही होता है, आम, क्लियर है ना। तो ये चीज होता है, देखो यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पर गलत होता है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ से देखो अंकुरण में, तो अब यहाँ देखिएगा आप लोग, सोयाबीन किस में लेगा, सोयाबीन हाइपोजियल में लेगा। देखो अब यहाँ पर ये आपका 6 पॉइंट हुआ, सातवां पॉइंट ये होता है कि भूमियोपरिक अंकुरण, भूमियोपरिक अंकुरण में दो क्वेश्चन, इसमें बीज पत्र जमीन के बाहर आता है तो क्यों आता है, बीज पत्र अधर मीन्स हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण, होता किसमें है, इमली, नीम, सेम और ब्याज में। और अगला जो आठवां आपका बना वो होता है अधोभूमिक अंकुरण में क्या होता है, ये बीज पत्रोपरिक मतलब एपिकोटाइल की वृद्धि की वजह से बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाते हैं, आता है, इसमें होता क्या है, चना, मटर, मक्का, मूंगफली, आम, ऐसे कई सारे एग्जांपल। इतना क्लियर हुआ। अच्छा एक होता है कि बीजों का, जैसे जब कोई पौधा, जब कोई बीज अंकुरण करता है ना, जब कोई बीज जो है ये क्या करता है, अंकुरण करता है, तो जो जो भाग जमीन के बाहर आ जाता है ना, जो भाग जमीन के बाहर आ जाता है वो कहलाता है प्रांकुर, ठीक, वो कहलाता है प्रांकुर। और जो भाग जमीन के अंदर रह जाता है ना, जो भाग जमीन के अंदर अंदर रह जाता है वो क्या होता है आपका, वो होता है मूलांकुर होता है, मूलांकुर। और देखो मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है, मूल का निर्माण होता है, और प्रांकुर से आपका जो है तना या पररोह का निर्माण होता है, पररोह तंत्र का निर्माण होता है, क्लियर है ना। तो यहां से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपका नाइन्थ पॉइंट, हम इसको मान लें ये आपका नाइन्थ नंबर है, क्लियर है ना। इसके बाद आता है कि कुछ के जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है, तो ये चीज आप एग्रोनॉमी वहां अलग से कवर हो जाता है,
है ना, समझे? क्योंकि वहां जर्मिनेशन परसेंटेज होता है, जैसे आपके एग्रोनॉमी वाले सेक्शन में कौन कौन सा बीज है, मतलब जैसे कौन कौन सा सेम है, या जो है गेहूं चना, इन सब का जर्मिनेशन परसेंटेज, क्योंकि किसी भी बीज का जो है 100% मतलब जर्मिनेशन नहीं होता है, किसी भी बीज का 100% जर्मिनेशन नहीं होता है, क्लियर है ना? हाँ, सब हाँ, किसी का 80% 90% ये होता है। तो बीज वाले चैप्टर से आपका नॉर्मली जो है इतने ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 9 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मोर करवा देते हैं, 10 पॉइंट हो जाता है, है ना, 10 पॉइंट आपका हो जाए। तो चलो एक पॉइंट और कौन सा करवा दिया जाए, बोलो। अगर हम पूछ ले पौधों का, पौधे का मुख्य भाग क्या है, हाँ, उसका मुख्य भाग तना है, ध्यान देना, पौधे का मुख्य भाग क्या है आपका, तना। चलो 10 पॉइंट आपका हो गया। अभी नहीं, 10 में से पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जो 10 क्वेश्चन पूछेंगे विद ऑप्शन के साथ, पहले इन 10 को पूछते हैं सब लोग, जिसको ना याद रहे देख कर बताओ, कुल मिलाकर तैयार हो जाना चाहिए। चलो बताओ, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से होता है, बीज का निर्माण किससे, बीजांड से। फल का निर्माण किससे, अंडाशय से होता है। बीज कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री। एक बीज पत्री को मोनोकोटाइल बोलते हैं, द्वि बीज पत्री को डाइकोटाइल, मतलब मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। चलो एक बीज पत्री भ्रूण पोषी बीज, गेहूं मक्का चावल ज्वार और बाजरा, और एक बीज पत्री आप भ्रूण पोषी और जल केला, दुई बीज पत्री भ्रूण पोषी में चना मटर सेम और काशी फल, और दुई बीज पत्री आप भ्रूण पोषी में शरीफा और पपीता आता है। भ्रूण पोषी, भ्रूण पोष करता क्या, बढ़ते हुए भ्रूण का निर्माण, पौधों को भोजन देता है, भोजन प्रदान करता है। फिर इसके बाद में अंकुरण कितने प्रकार, दो प्रकार का, भूमिपरी और अधोभूमि। भूमिपरी को क्या कहते हैं, अधोभूमि को क्या कहते हैं, हाइपोजियल। इसमें बीज पत्र जमीन के बाहर आ जाता है, क्यों, बीज पत्र अधर हाइपोकोटाइल की वृद्धि के कारण, है ना। होता किसमें है, इमली नीम सेम और प्याज में होता है, और अधोभूमि अंकुरण में बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाता है, क्यों, बीज पत्रों पर ही, मतलब एपिकोटाइल की वृद्धि के कारण। एग्जांपल क्या है, चना मटर मक्का मूंगफली और आम। इसके बाद बताओ यहाँ पर बीज का जो भाग है ना वायु में जाता है, मूलांकुर से मेन तना या परलोह तंत्र का फॉर्मेशन होता है, और मूलांकुर से मूल का। इसके बाद में पौधे का मुख्य भाग क्या होता है, तना। 10 पॉइंट तैयार हो गया, अब जिससे पूछेंगे वही बताना विद ऑप्शन के साथ। अगर आप नहीं बता पा रहे समझ लो आप मेहनत से नहीं। चलो, चने के भोजन में एकत्रित रहता है, चने में जो भोजन है एकत्रित रहता है, प्रांकुर में रहता है, भ्रूण पोष में रहता है, बीज पत्र में रहता है, या बीज कवच में रहता है। हाँ, बीज पत्र में रहता है, गुड। चलिए आप बताइए, रेंडी जो है ना, रेंडी में भोजन एकत्रित रहता है, भ्रूण कोष में, भ्रूण में, बीज पत्र में, या उपर्युक्त सभी में, भ्रूण कोष में रहता है। चलिए आप बताइए, एरंड के बीज के पतले वाले सिरे पर, मतलब एरंड रेंडी के बीज के पतले वाले सिरे पर जो स्पंजी जैसी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, रैफी, बीज चोलक, भ्रूण कोष, या बीजांडकार। दबाने पर पानी बाहर निकलता है, किससे निकलता है, बीजांड द्वार से, स्ट्रोबियोल से, वृंतक से, या बीज कवच से, बीजांड द्वार से निकलता है, है ना, किससे, बीजांड द्वार से। आगे, पतले और पर्णवत, मतलब पतले और एकदम पत्ती की तरह, पतले और पर्णवत बीज पत्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, सेम में, एरंड में, चना में, या जो है मटर में, एरंड में पतले और पर्णवत बीज पाए जाते हैं। आगे, मूलांकुर वृद्धि करके क्या बनाता है, जड़ तंत्र को, परलोह तंत्र को, दोनों तंत्रों को, या दोनों को नहीं,
जड़ तंत्र को। आगे जरायुज अंकुरण है ना, जरायुज अंकुरण किस पौधों में पाया जाता है? मरुद्भिद पौधों में, जलोद्भिद पौधों में, लवण मृदोद्भिद पौधों में, या जो अधिपादप में? बताओ। हाँ, जरायुज अंकुरण जो है लवण मृदोद्भिद पौधों में पाया जाता है। अच्छा, जरायुज अंकुरण समझते हो ना क्या होता है? जैसे जरायुज मतलब बच्चे, हाँ, जरायुज मतलब अंदर ही, जैसे आप कटहल का देख सकते हो, है ना, जरायुज अंकुरण। आगे अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है किसमें? सेम में, मटर में, रेडी में, या इमली में? इमली में, मटर में। अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? मटर में सर। अभी तुरंत बताने के बावजूद भी अधोभूमि मटर वाला बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मधु मटर में, और याद रखना ये हमेशा, इधर सुनो, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कितना भी तुम पढ़ा लोगे अच्छे से कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए इसको अच्छे से कवर करो। तो मटर में पाया जाता है अधोभूमिक, मतलब कौन सा? हाइपोजियल। आगे बताओ कौन सा बीज द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी है? रेड़ी, मक्का, चना और इमली? चना। बोला क्या गया, कौन सा बीज द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी है? चना तो है सर। चना का है गुरुजी, देखकर बता रहे हो, देख के नहीं बता रहे हो। चना जो है द्विबीजपत्री। अच्छा, कौन सा बीज द्विबीजपत्री अभ्रूणपोषी? ऑप्शन है रेड़ी, मक्का, चना, इमली। रेड़ी है। इसमें क्वेश्चन गलत दिया गया है, सही कर लेना आप लोग, है ना। आगे, अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? गेहूं में, धान में, जौ में, सोयाबीन? सोयाबीन में पाया जाता है। क्लियर है? तो ये वाला आपका तैयार हो गया, बीज वाला जी सर।